Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Kitchen Hashtag Life by Shehla, and I am with your friend. And how are you my lovers and beautiful friends? तो आज का व्लॉग है अबाउट टू संडे एंड फंडे. तो संडे के दिन क्या किया, तो संडे की शुरुआत तो हुई थी यम्मी से ब्रेकफास्ट के साथ. आज मेरा दिल था कि आज मैं बढ़िया सा ऑमलेट बनाऊँ, मिक्स वेज जो होती है, खूब सारे इसमें ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, हरा धनिया और बेहतरीन सा पराठा. तो संडे के दिन वैसे हम लोग पराठे ज़्यादा खाते हैं. खैर मुझे तो हर वक्त अच्छे लगते हैं, बिना पराठे को तो मुझे नाश्ता ही पसंद नहीं है. इसी वजह से मैं कई बार नाश्ता भी नहीं करती हूँ. ये गलत है, वेरी बैड, नहीं करना चाहिए. हेल्दी नाश्ता हो, वो नाश्ता तो ज़रूर करना चाहिए. डोंट नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट बिकॉज इट्स नीड. जब हमारा डे स्टार्ट होता है तो हमें ये नीड होती है. तो ये हमारे हस्बैंड का था नाश्ता. वो संडे के दिन ही पराठे खाते हैं. वो बिल्कुल बीच के दिनों में, वीक डेज में नहीं खाते हैं, वो वीकेंड पे ही खाते हैं. और साथ ही मैं ये बढ़िया सा अपना ऑमलेट फ्राई कर रही थी. इतना कलरफुल लग रहा था ना, मुझे इतना खूबसूरत लगता है इस तरह से कलरफुल चीज़ें. तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ कैसे नाश्ता होता है. तो ये नाश्ता था उनका और मेरा. और ये नाश्ता क्या है, इसको लंच बंच दोनों कहेंगे, क्योंकि सब इकट्ठे हो जाता है. लेट शुरू होता है सारा काम संडे को, क्योंकि एक ही दिन मिलता है तो इसलिए. और चाय, पलाई, पराठे, यम्मी. और साथ ही हम लोगों ने किया था ये लंच, बिकॉज हमें दावत आई थी हमारी छोटे बाजी, छोटी नंद के यहाँ से. लास्ट वीक हम बड़ी बाजी, बड़ी नंद के यहाँ गए थे, और इस संडे हम जा रहे थे अपनी छोटी नंद के यहाँ, छोटी बाजी के यहाँ. तो ये हमने बनाया थी यम्मी सी तहारी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी. और ये अम्मी ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे हाथ से मिर्ची ज़्यादा हो जाती, तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे. तो ये उन्होंने बनाई थी. मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी, तो मिर्ची तेज़ कर देती हूँ, बच्चे नहीं खा पाते. यस वो तो ये बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ. मैंने तो नहीं खाई ज़्यादा, बच्चों ने खाई, स्पेशली जुहान ने माशाल्लाह से खा ली थी, बच्चों ने शौक से खाई. और साथ ही बच्चों को बहुत ज़्यादा लग रही थी घूमने की, कि संडे है हम कहीं नहीं जाते हैं. उन्हें पार्क जाने की लगी थी कि हमें पार्क जाना है. सारे बच्चे इकट्ठा कर होकर पूरे सब जिद कर रहे थे बहुत ज़्यादा से हमसे, कि नहीं आप आज हमें कहीं लेके नहीं जा रहे हैं घुमाने, बहुत टाइम हो गया. और हालांकि वो भी गए थे मामू मामानी के साथ में, लेकिन बट फिर भी उनको लग रहा था कि नहीं हम तो जाते ही नहीं हैं कहीं, आप तो हमें लेके ही नहीं जाते हैं. और मौसम भी अच्छा है, और इत्तेफाक से मौसम अच्छा था, दिन में काफ़ी अच्छा मौसम था. उनको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बहुत ज़िद कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें जाना है. तो बस उनकी ज़िद की वजह से हम लोग भी रेडी हो गए कि चलिए ठीक है चलते हैं. बट घर से निकलते हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, और स्टार्ट हो गया फिर पानी घर से निकलते के साथ ही. और लेकिन बच्चों की ज़िद ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने कहा हम वेट कर लेंगे, बट हम जाएंगे ज़रूर. तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं पार्क के बाहर बैठ के पानी बंद होने का. तो इतनी दुआएं कर रहे थे बैठ के कार में कि बस पानी बंद हो जाए तो हम चले जाएं, और हम कुछ भी कर लेंगे, बस मतलब घर नहीं जाएंगे, हमको वहाँ नहीं जाना, पहले हमको पार्क ही जाना है. जबकि मना किया कि इतनी बारिश में पार्क नहीं जाया जाता है, बट नहीं माने वो लोग, कि नहीं हमें तो जाना है, हम तो जाएंगे. और वहाँ जाते ही देखिए किस कदर के मतलब खुश थे बच्चे, और जोहान भी इतनी दौड़ लगा के पहुंच गए. ओहो शिट, ना अच्छा वेदर था, सब था, बट वो पानी भी रुक गया था, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत अजीब सा हो रहा था पूरा, क्योंकि पार्क में तो मिट्टी होती है, हरियाली होती है, तो बस। लेकिन बच्चों ने बहुत परेशान किया और कपड़े तक खूब गंदे किए और खूब इंजॉय किया। देखिए आप तो खुद ही देख रहे हैं सब कि कितना मज़ा आ रहा था उन लोगों को, कोई भी नहीं था पार्क में बारिश की वजह से। जोहान को बिठा दीजिए ना। इंजिला ने तो अपना वाइट ड्रेस ही गंदा कर लिया था पूरा, तो उनको चेंज ही करना पड़ा। और जोहान के भी कपड़े गंदे हो गए थे, तो बस इन लोगों ने खूब मतलब मस्ती तो की, साथ में मुझे परेशान भी बहुत ज़्यादा किया कि अब क्योंकि वाइट ड्रेस में मिट्टी के निशान बहुत मुश्किल से जाते हैं, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं बच्चों के हिसाब से बच्चों को पहनाऊँ। और इतना प्यारा सा पार्क था, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ उस पार्क में, ये हमारे कॉलोनी का ही पार्क है, बट मैं अभी तक नहीं आई थी यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आई हूँ। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, बट मौसम और मतलब जो वक्त था वो बिल्कुल सही नहीं था। खैर बच्चों ने इंजॉय किया, बच्चे खुश हुए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे मतलब मोबाइल में आजकल लगे रहते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है, मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं देती हूँ, लेकिन जब भी ये कहीं जाते हैं बच्चे लोग तो बिल्कुल मतलब लोग मतलब दे देते हैं सब, इनके जो इतने प्यार करते हैं जितने भी इनके मामू मामानी और पप्पी पप्पी मतलब बहनें उनके भाई सब मोबाइल दे देते हैं उन्हें, तो वो खूब फिर लगे रहते हैं मोबाइल में। और घर में भी इनकी बहनें वगैरह दे देती हैं, वैसे मैं मना करती हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि नो मोबाइल बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ख़राब चीज़ है, आप वैसे ही खेलो मस्ती करो, लेकिन मैं मोबाइल से दूर रहूँ। और देखिए अब कितना अच्छा लग रहा था इन लोगों को, बहुत प्यारा सा मौसम हो गया था, पानी भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था और खूब अच्छा लग रहा था। बस बाकी अगर कीचड़ वगैरह ना होती तो बहुत अच्छा सा लगता, बहुत इंजॉय करते सब। अम्मी क्योंकि मुझे ना बहुत मतलब बारिश अच्छी लगती है, बट जो गंदगी होती है ना वो थोड़ा सा मुझे बहुत इरीटेट करता है, तो इस वजह से मैं बारिश में कहीं जाना आना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बट बच्चों की वजह से सब मानना पड़ता है, क्योंकि वो खुद खुश हो जाते हैं और उनको खुश देख के हम खुश हो जाते हैं। Enjoy! Zaira! Zohan! Zohan! Zohan, how are you feeling? Are you enjoying? कमाल के साइड से, अरे ये लोग है ना देखो, कमाल के कमाल के। और देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है इनको, ज़ाहिर है भी ये सब इधर सुधर बस झूला तो सीज़ और तो कुछ बस खूब एंजॉय कर रहे थे। मुझसे भी कह रहे हैं मम्मा आप भी आइए आप भी आइए, मैंने कहा नहीं मुझे तो बहुत हर चीज़ अजीब ही लग रहा था, बिल्कुल सब गीला गीला सा हो रहा था हर जगह। तो जोहान भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे, इतना मतलब अच्छा लग रहा था बच्चों को देख के कि वाओ। और सही बात है काम वाम तो चलते ही रहते हैं लाइफ में, आप बच्चों पे भी ध्यान दें, थोड़ा घुमाएं फिराएं उन्हें, मौसम अच्छा है क्योंकि बच्चों की यही तो लाइफ होती है, बच्चों को पसंद आता है सारी चीज़ें कि आप उन्हें कहीं बाहर ले कर जाएं। और घर के काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, मसरूफियत हमारे कभी ख़त्म नहीं होगी, काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे, बट बच्चों की जो लाइफ है उसको भी देखना ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल देखें आप, इंजॉय करें बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर वो अपनी अपनी पढ़ाई में अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। ये वक्त जो होता है इतना प्यारा सा होता है, तो ये लौट के नहीं आता है, तो यही वक्त होता है जब बच्चों को माँ बाप का साथ और माँ बाप को बच्चों को होना चाहिए साथ में, यही बॉन्डिंग का वक्त होता है, समझने का वक्त होता है। और अगर हम यही वक्त पे बच्चों को अवॉइड करेंगे और ख़ुद भी मोबाइल में लगे रहेंगे और उनको भी मोबाइल दे देंगे, तो ऐसे तो हम लोग एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे। और यही वक्त होता है जब अपने बच्चे के साथ में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, यादें होती हैं, उनको खुश होते हुए देखते हैं,
बड़ा अच्छा लगता है हर पेरेंट्स के लिए ये सब चीज़ें कि बच्चे खुश होते हैं। और मैं जुहान से पूछ रही थी कि जुहान आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, कितना मज़ा आ रहा है, तो वो बराबर मुझसे कह रहे थे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम गए बाजी के यहाँ, तो वहाँ पर बच्चों ने मस्ती की, खूब इन्जॉय किया हमने। क्या देख रहे हो? जुहान और खूब सारे बातों के बाद हमने खाया ये यम्मी सा डिनर, बहुत ही अच्छा बना था, ये बहुत बेहतरीन सा बिरयानी बनाया था बाजी ने, बनाया था सब कुछ और बहुत अच्छा बनाया था। मुजाफिर, छोले, पूरी, रायता, बुरानी भी कहते हैं जिससे, चटनी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बाकी का मैं शूट नहीं कर पाई। बट क्योंकि अभी क्या सब लोग ही थोड़ा सा रखते हैं, सब लोग थोड़ा सा होते हैं कि यार शूटिंग शूटिंग के नाम से लोग थोड़ा सा होते हैं व्लॉग यूट्यूब पे चल, ओह नो। बट अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे तो। लेकिन मेरे जो हैं ससुराल वाले इन लॉज बहुत अच्छे हैं, फुल कोऑपरेट करते हैं, मना नहीं करते हैं बिल्कुल कोई भी बाजी लोग, बहुत अच्छे हैं सब लोग फुल। मेरे हस्बैंड वो तो हर चीज़ में मेरा बहुत साथ देते हैं, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मतलब ये कर पा रही हूँ। और बाजी लोग, अम्मी, सास, ससुर सब मतलब बहुत अच्छे हैं बहुत, जब भी ये पॉसिबल हो पाया है तो फुल कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ठीक है करो। वहाँ घर पे भी सब बहुत कोऑपरेट करते हैं, हाँ ठीक है, जब मैं कहती हूँ शूट करना है, अच्छा शूट करना है, चलो ठीक है, तो खूब अच्छे से मतलब साथ देते हैं मेरा, कि चलो ऐसे ऐसे करो बल्कि और आइडियाज़ देने लगते हैं, अच्छा ऐसे चलो ठीक है ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। बहुत अच्छा सा लगता है जब आपकी फ़ैमिली आपका साथ देती है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा तो नहीं हो पाता है, उसके लिए एक फ़ैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। सिर्फ एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है विदाउट फैमिली के, तो हर सक्सेस के पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, तभी वो कर पाता है। क्योंकि जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो गया, फैमिली आपके साथ नहीं होगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। तो बस इसी के साथ ही ये व्लॉग था मेरा आज का, तो कैसा लगा आप बताइए, संडे फंडे गेट टुगेदर, तो कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल कमेंट्स क्या करिए आप मुझे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए एंड क्लिक द बेल फॉर नोटिफिकेशन माय न्यू वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए किचन हैशटैग लाइफ बाय शहला। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफ।